पाठ 19 गंगा की महिमा। प्रस्तुत पाठ में गंगावतरण एवं उसके उद्गम के संबंध में बताते हुए लेखक ने गंगा के पौराणिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व को स्पष्ट किया है। गंगा भारत की सर्व प्रमुख नदी है। गंगा को पतित पावनी एवं मुक्तिदायिनी माना गया है। गंगा के किनारे अनेक पवित्र तीर्थ स्थान हैं, जिन पर प्रतिवर्ष मेले लगते हैं और जहां अनेक श्रद्धालु भारत के कोने कोने से आते हैं। सुरसरी, देव नदी, तृप्थगा, जाह्नवी, भागीरथी आदि गंगा के अनेक नाम हैं, जो उसकी सांस्कृतिक महिमा के सूचक हैं। पुराणों में एक अत्यंत रोचक कथा है। प्राचीन काल में भारत में सगर नाम के एक महाप्रतापी राजा राज करते थे। उन्होंने अपनी वीरता और शौर्य से आसपास के सभी राजाओं पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। सगर अपने को चक्रवर्ती राजा घोषित करना चाहते थे। उसके लिए अश्वमेध यज्ञ करना आवश्यक था। सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। सब प्रकार से सजाकर तथा विधि विधान पूर्वक यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। घोड़ा अनेक राज्यों की सीमाओं से गुजरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। किसी भी राजा ने सगर के यज्ञ के घोड़े को पकड़ने का साहस नहीं किया। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि सगर शीघ्र ही विश्व विजयी होकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इंद्र को भय हुआ कि पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित करने के पश्चात कदाचित राजा सगर स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमाना चाहे। इंद्र को अपना राज्य खोने का भय होने लगा। घोड़े को रोककर सगर से युद्ध करने का साहस तो इंद्र ना जुटा सका, किंतु उसने छल से यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और कपिल ऋषि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। कपिल ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे, इसीलिए उन्हें घोड़े के आश्रम में होने का कुछ पता न चला। कपिल ऋषि का आश्रम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में था। घोड़ा कुछ समय तक आश्रम में रहता रहा। काफी समय बीतने पर भी ना तो किसी राजा ने सगर को युद्ध के लिए ललकारा और ना ही यज्ञ का घोड़ा राजधानी में वापस पहुंचा। सगर को चिंता होना स्वाभाविक था। सगर के 1000 पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और घोड़ा तलाश करने के लिए विभिन्न दिशाओं में भेजा। चारों ओर तलाश करते हुए सगर पुत्र सुंदर वन में कपिल ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने देखा कि घोड़ा आश्रम में बंधा है। उन्होंने यह भी देखा कि ऋषि कपिल अपनी तपस्या में लीन है। उन्होंने अनुमान लगाया कि घोड़ा कपिल ऋषि अथवा उनके शिष्यों ने चुराया है। तभी वह घोड़ा उनके आश्रम में बंधा है। वे कपिल ऋषि को बुरा भला कहने लगे तथा आश्रम में उत्पात मचाने लगे। इस कोलाहल के कारण ऋषि की तपस्या भंग हुई। ऋषि सगर पुत्रों के उत्पात का कारण न समझ सके। उनके अभद्र व्यवहार से कुपित होकर ऋषि ने उन्हें भस्म होने का शाप दे दिया। सगर के सभी पुत्र वहीं पर भस्म हो गए। जब सगर को यह समाचार मिला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे इस दुख को सहन न कर सके और कुछ समय बाद ही उनका देहावसान हो गया। कालांतर में सगर के परिवार में एक पौत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बड़ा होने पर अंशुमान को अपने पूर्वजों की दुखद मृत्यु का पता लगा। वे कपिल ऋषि के आश्रम में गए। अपना परिचय देने तथा ऋषि से अपने पूर्वजों की घृष्टता के लिए क्षमा मांगने के बाद अंशुमान ने कपिल ऋषि से अपने पूर्वजों को शाप मुक्त करने तथा जीवन दान देने की प्रार्थना की। ऋषि ने सगर का घोड़ा तो अंशुमान को वापस कर दिया, किंतु उनके पूर्वजों को पुनर्जीवित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्वज केवल गंगा जल के तर्पण से ही शाप मुक्त हो सकते हैं। गंगा इस समय स्वर्ग में ब्रह्मा जी के कमंडल में विद्यमान है। यदि तुम गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर यहाँ तक ला सको तो तुम्हारे पूर्वज शाप मुक्त हो जाएंगे। अंशुमान घोड़ा लेकर राजधानी लौट आए। अंशुमान ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने की सामर्थ्य नहीं थी, अतः
वे निराश हो गए। उनके पुत्र दिलीप भी इस दिशा में कुछ न कर सके। दिलीप का पुत्र भगीरथ बड़ा परिश्रमी तथा पराक्रमी था। उसने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने तथा अपने पूर्वजों को शाप मुक्त कराने का संकल्प किया। भगीरथ ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने सहानुभूति पूर्वक कहा कि यह काम कठिन अवश्य है, किंतु प्रयत्न करने से साध्य है। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को अपना आशीर्वाद दिया तथा प्रयत्न करने को कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार प्रयत्न किया और गंगा का बहाव ब्रह्मा जी के कमंडल से पृथ्वी की ओर हो गया। गंगा अवतरण का समाचार सुनकर शिवजी को चिंता हो गई। शिवजी को मालूम था कि गंगा का प्रपात तथा धारा इतनी वेगवान होगी कि कैलाश पर्वत से उतरते समय वह पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ परत को बहाकर अपने साथ ले जाएगी और पृथ्वी बंजर हो जाएगी। अतः शिवजी ने निश्चय किया कि गंगा के कैलाश पर्वत पर उतरते समय वे उसे अपनी जटाओं में समेट लेंगे। जैसे ही गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, शिवजी ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा को पृथ्वी पर आता हुआ ना देखकर भगीरथ बहुत निराश हुए और वे शिवजी के पास गए। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए शिवजी से प्रार्थना की कि वे गंगा को प्रवाहमान कर दें। शिवजी ने जन कल्याण के विचार से गंगा को धीरे धीरे अपनी जटाओं से निकालकर पृथ्वी पर प्रवाहित कर दिया। भगीरथ अब गंगा को कैलाश पर्वत से सुंदर वन की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील हुए। भगीरथ आगे आगे चले और गंगा को पीछे पीछे लाते रहे। दुर्भाग्यवश मार्ग में जहनू ऋषि का आश्रम आ गया और उन्होंने गंगा को आगे जाने से रोक दिया। भगीरथ ने पूरा वृतांत तथा अपना संकल्प जहनू ऋषि को बताया और गंगा को मुक्त करने की प्रार्थना की। जहनू ऋषि भगीरथ के परिश्रम तथा दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को पुनः प्रवाहमान कर दिया। इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ गया। धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई गंगा बंगाल में सुंदरवन तक पहुंच गई। जैसे ही गंगा के जल ने कपिल ऋषि के आश्रम में सगर के भस्मीभूत पुत्रों को स्पर्श किया, उनकी मुक्ति हो गई। उसी समय से ऐसा विश्वास स्थिर हो गया कि गंगा मुक्तिदायिनी है। गंगा का जल पवित्र है तथा मृत व्यक्ति की भस्म गंगा में प्रवाहित करने से उस व्यक्ति की मुक्ति। हजारों वर्षों से चला आ रहा यह विश्वास आज भी बना हुआ है। गंगा के उद्गम स्थान से लेकर अंतिम छोर तक गंगा के किनारे अनेक पवित्र तीर्थ स्थान बन गए हैं। गंगा का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख स्थान से है। गोमुख उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग अब उत्तराखंड में है। गोमुख में चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जो लगभग पूरे वर्ष हिमाच्छादित रहते हैं। गोमुख पर्वत में गाय के मुख के समान एक गुफा है, जिसमें से अत्यंत शीतल तथा स्वच्छ पानी की धारा निरंतर बहती रहती है। गोमुख से गंगोत्री उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग होती हुई गंगा देवप्रयाग पहुंचती है, जहां अलकनंदा नदी गंगा में मिल जाती है। देवप्रयाग से ऋषिकेश होती हुई गंगा हरिद्वार पहुंचती है। गोमुख से हरिद्वार तक गंगा का मार्ग पहाड़ों के बीच में टेढ़ा मेढ़ा है। प्रवाह तेज है, जल अत्यंत शीतल तथा स्वच्छ है। सारे रास्ते गंगा उछलती कूदती कल कल निनाद करती हरिद्वार तक आ जाती है। हरिद्वार से गंगा का मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के मैदानों में से होकर है। हरिद्वार से गढ़मुक्तेश्वर तथा कानपुर होती हुई गंगा प्रयाग पहुंचती है। प्रयाग में यमुना नदी गंगा में आ मिलती है, जिसे संगम कहते हैं। मार्ग में बाणगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी तथा अन्य अनेक छोटी बड़ी नदियां गंगा में मिलती जाती हैं। गंगा का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 2510 किलोमीटर का लंबा मार्ग तय करके
जब गंगा अपने अंतिम छोर पर पहुंचती है तो इसका स्वरूप अत्यंत विशाल हो जाता है। प्रयाग के बाद वाराणसी नगर गंगा के किनारे बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। उत्तर प्रदेश में से गुजरने के बाद गंगा बिहार तथा बंगाल राज्यों में से होकर गुजरती है। रास्ते में पटना, राजशाही और मुर्शिदाबाद होती हुई गंगा सुंदरवन की ओर मुड़ती है। इस मार्ग में गंगा की तीन बड़ी धाराएं हो जाती हैं। एक धारा पद्मा कहलाती है, जो पूर्व की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। दूसरी धारा मेघना कहलाती है, जो सीधी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तीसरी धारा का नाम हुगली है, जो कोलकाता होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुंदरवन इन्हीं तीन धाराओं के बीच की भूमि में फैले हुए हैं। हुगली के अंतिम छोर पर गंगा सागर नाम का प्रसिद्ध तीर्थ है। ऐसा कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा के किनारे अनेक तीर्थ हैं। ये सभी तीर्थ स्थान अत्यंत प्राचीन समय से श्रद्धा के केंद्र रहे हैं। इन तीर्थ स्थानों पर प्रतिवर्ष अनेक छोटे बड़े मेले लगते हैं। हर 12 वर्ष पश्चात आयोजित होने वाले हरिद्वार तथा प्रयाग के कुंभ मेले भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक मेले हैं, जिनमें 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालु भारत के कोने कोने से आते हैं। इन तीर्थ स्थानों पर हजारों मंदिर हैं, जहां भक्तजन अपने भगवान के दर्शन करके श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। हजारों वर्षों से इन तीर्थों की महिमा आज भी वैसी ही बनी हुई है। अत्यंत प्राचीन काल से गंगा की महिमा अनुपम रही है। विदेशी यात्री गंगा के प्रति हिंदुओं की यह श्रद्धा देखकर विस्मित रह जाते हैं। गंगा के विषय में सबसे प्राचीन विदेशी विवरण मैक्सथनेज का है। मैक्सथनेज ईसा से पूर्व 4वीं शताब्दी में महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान का राजदूत बनकर आया था। उसने लिखा है कि लोग गंगा को पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। समय समय पर चीन, अफ्रीका, यूरोप तथा अमेरिका के विभिन्न देशों से अनेक यात्री भारत आए। उन्होंने गंगा के प्रति भारतवासियों की श्रद्धा तथा विश्वास का मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। गंगा का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल चार राज्यों में से होकर गुजरती है। देश के इस भाग को गंगा का मैदान कहकर पुकारा जाता है। इस पूरे प्रदेश की उर्वरता, संपन्नता तथा आर्थिक जीवन गंगा पर ही आधारित है। कृषि उपज से संबंधित अनेक उद्योग धंधे चारों राज्यों में फैले हुए हैं। यहाँ लाखों करोड़ों लोग कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग धंधों के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गंगा के माध्यम से लाखों टन सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। पीने का पानी गंगा तथा उसकी नहरों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यदि गंगा ना होती तो संभवतः दिल्ली से लेकर कोलकाता तक का पूरा मैदान रेगिस्तान ही होता। इस पूरे प्रदेश की शस्य श्याम लता गंगा का ही उपहार है। इसीलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे बड़ी, सबसे पवित्र तथा सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। संसार के सबसे प्राचीन तथा हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ वेदों में गंगा का अनेक बार वर्णन आया है। महाभारत तथा पुराणों में भी गंगा का महत्व वर्णित है। गंगा नदी से अनेक घटनाएं तथा कथाएं जुड़ी हुई हैं। भारत के अनेक प्राचीन तीर्थ गंगा के किनारे पर ही हैं। देश के अनेक धार्मिक तथा सांस्कृतिक मेले गंगा के किनारे ही लगते हैं। धर्म की कितनी ही विचारधाराओं ने गंगा के किनारे ही जन्म लिया है। अनेक सांस्कृतिक घटनाओं से जुड़ी होने के कारण गंगा के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे गंगा, सुरसरी, देवनदी, तृप्थगा, जाह्नवी, भागीरथी आदि। इस प्रकार जो गंगा सांस्कृतिक दृष्टि से मोक्षदायिनी है, वही गंगा आर्थिक दृष्टि से जीवनदायिनी भी है। गंगा के इन्हीं उपकारों के कारण गंगा का महत्व
सदैव रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा।